तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा डेंसिटी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, आपने डेंसिटी के बारे में सुना होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी हमारे पास होती है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास चार्ज डेंसिटीज भी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मान लीजिए एक कोई भी हमारे पास एक रोड है या फिर कोई भी हमारे पास एक 1D जो है 1D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर एक रोड है जिसका लेंथ एल है, इस पे चार्ज क्यू है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना जो है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो होती है हमारे पास यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, जो होती है हमारे पास क्यू बाय एल। अगली आती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम कोई भी 2D लेमिना ले लेते हैं या फिर कोई भी प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने जैसे एक प्लेन लिया है जिसपे टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है और इसका एरिया जो है वो हमारे पास ए है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और ये हो जाता है हमारे पास टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इसका एरिया। ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी से पता पड़ता है। अगला आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए एक बहुत बड़ा हमने स्फीयर ले लिया, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट वॉल्यूम, उसका पता हमें लगता है इस रो से। रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को और ये हो जाता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास रोड है एल लेंथ का, ठीक है, उस रोड से कुछ डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है हमारे पास, तो इस रोड के द्वारा इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम आज यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस हमारा रहेगा, सबसे पहले मान लीजिए ये रोड का जो लेंथ है वो एल है, पी पॉइंट इससे ए डिस्टेंस पे है। अब हम क्या करेंगे कि इस रोड से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, कितना इस पॉइंट पर लगेगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रोड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस रोड की यहाँ से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट पे वहां से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट पे, उस पर हमने एक यहाँ पे पार्ट काट लिया रोड का, जिसका जो लेंथ है वो मान लीजिए डी एक्स है और उस डी एक्स पे चार्ज क्या है हमारे पास, डी क्यू चार्ज है। अब इस डी क्यू चार्ज से हम यहाँ पर देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम इंटीग्रेट करते हुए चल जाएंगे। तो जैसे जैसे छोटे छोटे चार्जों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारे पास कंप्लीट रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट डी क्यू जो है वो उस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है डी एक्स का, पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो है वो इस पॉइंट का डिस्टेंस है इस एलिमेंट से। ठीक है, लिमिट हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ जो है वो ए डिस्टेंस है, हमारी इनिशियल लिमिट क्या लगेगी, ए से लेकर ए प्लस एल तक, ये ए और ये एल इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट ए प्लस एल जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि के क्योंकि कॉन्स्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है ना, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो अंदर रहिए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि लेमडा जो है वो क्यू बाय एल होता है। ठीक है, अगर लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल अगर मैं लिख दूँ छोटे से एलिमेंट के लिए तो कोई गलती तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा कि लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल जो है वो लिख दिया और डी क्यू को मैंने लेमडा डी एक्स से यहाँ पर रिप्लेस करा है, तो ये हो गया हमारे पास लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लेमडा भी क्योंकि कॉन्स्टेंट है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसी भी रोड का जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए के साथ ये लेमडा भी हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास अंदर रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमें करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू के लेमडा, एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर क्या लग जाएगी यहाँ पे, माइनस टू डी एक्स। ठीक है, के लेमडा वैसा का वैसा बाहर आ गया, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 +1 कर देते हैं पावर में, आपको याद होगा, तो एक्स की पावर -2 +1 डिवाइडेड बाई -2 +1, लिमिट वैसे के वैसे ही हमने लगी रहनी है, के लेमडा जो है वो अपने पास के लेमडा अपने पास बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स, लिमिट जो है वो ए प्लस एल यहाँ पर चल रही है। ठीक, अब आगे क्या होगा कि E इज इक्वल टू के लेमडा, हमने लिमिट को जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट आता है, ए से ए जो है वो कट गया। ठीक है, इस एल से ये एल कट जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ई का क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल प्लस ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्ट इसको याद रखने का क्या कॉन्सेप्ट है कि अपन को करना कुछ भी नहीं है, अगर रोड से अगर हमको कोई भी पॉइंट दे रखा है पी, ठीक है, तो
उस पॉइंट पे हम जानते हैं फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है ए और फाइनल डिस्टेंस यानी कि ए प्लस एल। तो हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस ए, फाइनल डिस्टेंस एल प्लस ए, के क्यू अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल प्लस ए जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास एक आर्क है, ठीक है, कोई भी आर्क हमारे पास है और उस आर्क से किसी पॉइंट ओ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आता है, वो होता है ई इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर और साइन अल्फा बाय 2। अल्फा जो है वो एंगल है जो कि दोनों रेडियस जो है वो यहाँ से बना रही है, ठीक है। लैम्डा जो है वो क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एल। एल जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इज इक्वल टू आर, आर थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर थीटा या आर अल्फा के लीजिए, वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा। अब 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 में ये जो है वो अल्फा यहाँ पर एंगल है, इसको हमेशा रेडियन के अंदर रखना है। ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी सेमी सर्कुलर जो है वो रिंग है, तो वहां पर उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका पूरा एंगल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रेडियस क्या है, आर है, आर की जगह आर यहाँ पर पुट कर देंगे। लैम्डा जो है वो उसका क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो साइन 90 जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। और साइन 90 आप जानते होंगे हमारे पास 1 होता है, तो ई जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी जो है वो याद रख सकते हैं, ताकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आने पर डायरेक्ट आप इस पर टिक लगा सके, ठीक है। वही दूसरा जो है वो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, जिसमें अल्फा जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस अल्फा की जगह यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, और जैसे ही 90 पुट करेंगे तो साइन के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगी, और 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 होता है 1/√2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा ई का √2k लैम्डा बाय कैपिटल आर, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने कंटिन्यूअस बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो आपको बता दिया है। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।